नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ से अज वीडियो आप इकनोमिक्स रिलेटेड पंजाब 2016 तो बाद जिन्हें भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उन्होंने इंपोर्टेंट इकनोमिक्स रिलेटेड जिन्हें भी क्वेश्चन बने ने वह सारे इस वीडियो में मैं कवर किए हुए हैं। मतलब प्रीवियस एग्जाम जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम बनते हैं जो रिलेट हो सकते हैं वह क्वेश्चन इस वीडियो में इनकलूड ने, ता करके चंगी तरह इन्हों रीड कर लियो और नोटबुक उत्ते राइट डाउन कर लियो। सब तो पहले आप गल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात और कर्नाटका के बाद पंजाब तेजी नाल शहरीकरण होया है अते डैश शहरीकरण वाला राज्य बन गया है। मतलब कि तमिलनाडु तो बाद, महाराष्ट्र तो बाद, गुजरात तो बाद एंड कर्नाटका तो बाद पंजाब शहर बहुत ही तेजी नाल इनक्रीज़ हुए हैं शहरीकरण। तो हुण कैमा राज्य है अपना यह, जां फिफ्थ नंबर का राज्य पूरे इंडिया विचों फिफ्थ नंबर का स्टेट तेजी नाल शहरीकरण करन वाला अपना स्टेट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की गल करिए, साल 2020 पंजाब विच विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात प्रायमरी पद्धर से तो सी 20:1 तो उच्च प्रायमरी पद्धर से सी 24:1 रहा। क्वेश्चन की कह रहे एक बार ध्यान नाल पढ़ो और समझो फिर इसका आंसर देने की कोशिश करो। पंजाब जिहड़े प्रायमरी पद्धर से जिहड़े टीचर ने, मतलब 20 स्टूडेंटा लिए एक टीचर एक आइडिया लगाया हुआ है कि असं आने वाले टाइम तक इसको बढ़ा देवे, बच्चों के अनुपात रिलेटड जोड़े अध्यापक होंगे वह इनक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो अपन किन्ने का आइडिया लगाया कि 20:1 का एक का आइडिया लगाया कि हूँ प्राइमरी उच्च पद्धर से बद के 24:1 हो गया है। मतलब कि 24 स्टूडेंट पिछे एक टीचर अपने पंजाब विच है। ओके दोस्तों, एंड नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, डैश द्वारा विकसित की सिक्ख्या क्वालिटी इंडैक्स यानी SEQI स्कूल सिक्ख्या के खेत्र विच राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मुलांकण करता है। हुण इस क्वेश्चन विच की कहा गया है कि कोई संस्था है जो सिक्ख्या क्वालिटी इंडैक्स मतलब कि सिक्ख्या की बढ़िया क्वालिटी का एक लिस्ट सूची बनाती है जिस विच जिहड़े भी स्टेट की जिहड़े भी राज्य की सिक्ख्या क्वालिटी हाई होगी उसको नंबर 1 ते रखा जाएगा तो जिसकी लो होगी इस तरह क्रमवार उन्होंने लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। तो कौन संस्था यह करती है? तो नीति आयोग द्वारा यह इंडैक्स तैयार की जाती है। अभी गल करिए, पंजाब ने 2015 16 17 इंडैक्स उत्ते किहड़े इंडैक्स उत्ते सिक्ख्या क्वालिटी के इंडैक्स उत्ते अपना रैंक किहड़ा बनाया सी, जिहड़ा मतलब नीति आयोग ने जिहड़ी लिस्ट जारी की सी सिक्ख्या क्वालिटी के रिलेटड उस विच पंजाब का रैंक की सी। पहला स्कोर की गल करिए, जिहड़े प्रायमरी पद्धर दे सी तां 50.74% स्कोर सी ते उच्च प्रायमरी पद्धर दे जिहड़े सी ओह 59.6% जिहड़ा उच्च पद्धर सी ते इसका रैंक अपने पंजाब का की सी जिहड़ा नीति आयोग द्वारा सूची जारी की गई सी ते 9th नंबर ते अपने पंजाब का रैंक सी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो करके ईजी ना लो इन्हों राइट डाउन करो तो क्वेश्चन समझ के फिर अपनी लैंगुएज में अपनी नोटबुक से राइट डाउन करो तो यह याद रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, शहर और राष्ट्र की दौलत किताब यानी सिटीज़ एंड द वैल्थ ऑफ बुक किताब किस द्वारा लिखी गई थी? तो जेन जैकब्स नाम का एक व्यक्ति से जिन्होंने यह किताब लिखी सी। एंड दोस्तों फेमस लेखक ते किताबां बारे 2 नंबर का एग्जाम विच तुहानू क्वेश्चन देखने जरूर मिलेंगे। जे हुण तुसीं चाहुंदे हो मैं अलग तो एक वीडियो प्रोवाइड करावां जिस विच फेमस बुक्स अते फेमस ऑथरां दे पूरे डिटेल लिखी होवे तां मैनूं वीडियो विच यस लिख के कमेंट कर दिओ तां मैं तुहानूं नैक्सट वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे इस दे रिलेटड। क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, डैश नूं सिंचाई लई गंदे पानी की कुशल वरतों लई कौमी जल मिशन का पुरस्कार मिलिया सी। पंजाब नूं जिहड़ा गंदा पानी हुंदा सी उन्होंने वह यूज़ करते कदे वास्ते सिंचाई वास्ते, तो कौमी जल मिशन का पुरस्कार पंजाब नूं दिता गया सी। दोस्तों जे तुसी इकनोमिक्स कंप्यूटर जनरल साइंस ते डिजिटल लिटरेसी एंड पोल्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इसलिए मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुसी इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर लिया, जो तुसी भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इस PDF फाइल में एक बार जरूर खरीद लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 की गल कर लिए, हूँ आप सिंचाई लई गंदे पानी की कुशल वरतों लई कौमी जल मिशन का पुरस्कार डैश द्वारा दिता जाता है। जल शक्ति मंत्रालय यानी जल शक्ति मिनिस्ट्री वालों यह पुरस्कार दिता जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, 15वां वित्त कमीशन डैश दे उपाय दी वरतों करके एक नवी कारगुजारी पेश करता है, तां किसकी वरतों करके? टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR दी यूज़ करके। एंड हुण क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, GSDP काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसका पूरा नाम तुसी याद रखियो, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, ई कुबेर दे ई भुगतान दे मॉडल विच एजेंसी बैंकां दी भूमिका अते उन्हां दे नतीजे वजो देरी नूं खत्म करके हुण भुगतान दी सीधी डैश द्वारा प्रक्रिया की जाती है। RBI द्वारा हुण सीधा भुगतान किया जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, पंजाब विच सब तो वध सूत यानी कोटन कित्थे पाई जाती है? तो बठिंडा अते फरीदकोट के एरिए सब तो ज़्यादा कोटन पंजाब प्रोड्यूस की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, पंजाब राज प्रति व्यक्ति आमदन के मामले में भारत के सारे राज्यों में डैश स्थान मिले है तो 10th नंबर पर है, मतलब एक सूची जारी की जाती है जिस विच सारे राज्यों के प्रति व्यक्ति की आमदन की काउंटिंग की जाती है, उस अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाई जाती है सारे स्टेटा की, उस विच अपने जो पंजाब राज्य का जोड़ा स्थान है वह 10th नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, साल 2019-20 कुल बजट का आकार की सी? 1,58,493 करोड़ रुपए 2019-20 बजट रखा गया सी, ते 2020-21 का भी पूछा जा सकता एग्जाम विच, तां बजट रिलेटड मैं एक स्पेसिफिक क्लास तुहानू प्रोवाइड जरूर करा दूंगा 1-2 दिन के अंदर अंदर, जिस विच सारे पंजाब बजट रिलेटड क्वेश्चन इनकलूड होणगे। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, मैक्रोनोमिक्स विच नोबल पुरस्कार जेतू कौन कौन ने? तो एक तो मिल्टन फ्राइडमैन नामक व्यक्ति है कोई जिसनों 1976 पुरस्कार मिले से, सब तो पहला इसनों मिले से मिल्टन फ्राइडमैन 1976, सब तो लास्ट की गल करिए जिहड़ा हुण लास्ट विच मिलिया तो रॉबर्ट लूकास 1995 ईस्वी में यह पुरस्कार मिले से। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, GDP का फॉर्मूला की है? तो नोमिनल डिवाइड टू रियल GDP करके आप GDP का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, जे निवासी 1 साल तो ज़्यादा न्यूयॉर्क विच एक अपार्टमेंट का मालिक है तो किराए की आमदनी का एक हिस्सा वह USA GNP देना पवेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, पिछले 3 सालों विच पंजाब राज्य की GSDP दर की है? तो 10.43% ते टिकी हुई है अपनी GSDP। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, अर्थशास्त्र का पिता कौन है? तो काफ़ी इंपोर्टेंट यह भी एग्जाम काफ़ी बार पूछा गया, तो एडम स्मिथ नाम आपां नूं याद रखना होगा। एंड दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट मैं तो इंस्टाग्राम से सवाल पूछ रहे हैं सर कि पंजाब इकोनमी नूं चंगी तरह रीड करने लिए बेस्ट बुक कीड़ी है, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है, करना की है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पर क्लिक करना है, तो ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी से यह बुक तुम ऑर्डर कर लेनी है। नंबर 19 की गल करिए, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट्स किस द्वारा लिखी गई किताब है? तो एडम स्मिथ द्वारा ही यह किताब लिखी गई सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, उत्पादन के 4 कारक कहने ने, मतलब प्रोडक्शन लिए कि 4 इंपोर्टेंट चीज़ा होंदिया ने? तो सब तो पहले भूमि होनी चाहिए अपने को, मजदूर होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, तो संगठन यानी ऑर्गनाइजेशन अपने को होनी चाहिए है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इकनोमिक्स रिलेटड, जो हम इसकी PDF फाइल बाय करना चाहते हो तो यही मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे गल करके पूरी जानकारी लैके फिर इस PDF फाइल में बाय कर सकते हो।